नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो मंजिला घर के लिए सरिये की पूरी जानकारी की, यानी कि कंप्लीट रिइंफोर्समेंट डिटेल्स फॉर डबल स्टोरी बिल्डिंग। इसमें दोस्तों हम फाउंडेशन से लेकर स्लैब तक, यानी कि फुटिंग, कॉलम, प्लिंथ बीम, फ्लोर बीम, स्लैब, सभी चीज़ों की बात करेंगे कि आपको एक दो मंजिला घर के लिए कौन सा सरिया लगाना चाहिए, कितने सरिये लगना चाहिए कॉलम में, कितने बीम में, रिंग कौन सी होना चाहिए, कितनी दूरी होना चाहिए, सभी तरह की बात हम इसमें करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आप भी अब अपना घर बनवाने जा रहे हैं और उसके लिए आप सजेशन देख रहे हैं कि दो मंजिला घर हम बना रहे हैं तो हमको किस तरह का सरिया लगाना चाहिए, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक को। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं फाउंडेशन के साथ में, यानी कि फुटिंग के साथ में। तो देखिए सबसे पहले तो ये हमारी होती है फुटिंग, ठीक है ना। आपने देखा होगा इस तरह से सरिया बनता है, फिर इस पूरे में क्या करते हैं, इस पूरे में कंक्रीट डल जाती है और इसमें से हमारा जो कॉलम है वो ऊपर खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो फुटिंग का जो मेश होता है, यानी कि ये जो जाल दिख रहा है आपको सरिया चारों तरफ जिसमें से कॉलम खड़ा हुआ है हमारा, ये जो जाल है इसमें कौन सा सरिया यूज़ होता है हमारा, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, 10 mm बोथ वेज एट द रेट 6 inches सेंटर टू सेंटर। क्या मतलब है इसका, या 10 mm का सरिया यूज़ होगा, ठीक है। बोथ वेज का मतलब ये है कि ऐसे भी 10 mm, मतलब ये जो सारे सरिये ऐसे हैं ये भी 10 mm और जो ऐसे डलेंगे वो भी 10 mm, यानी कि दोनों तरफ 10 mm का सरिया डलेगा और 6 inch सेंटर टू सेंटर की स्पेसिंग रहेगी उसकी। अब स्पेसिंग क्या होता है, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए ये एक सरिया है, ये एक सरिया है, इन दोनों के बीच की जो दूरी रहेगी, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी रहेगी वो कितनी रहेगी, 6 inch रहेगी, ठीक है ना। स्पेसिंग का मतलब हमारा ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉलम की तरफ। तो कॉलम में कौन सा यूज होगा हमारा देखते हैं। तो देखिए कॉलम का साइज सबसे पहले तो G+1, यानी कि डबल स्टोरी की अगर बिल्डिंग है हमारा तो 9x12 का कॉलम आप लेंगे। कॉलम की रिइंफोर्समेंट कौन सी यूज़ करेंगे, देखिए जो मेन बार रहती है यानी कि जो खड़े वाले ये सरिये रहते हैं हमारे जिससे कॉलम मेनली बना है हमारा, वो तो दोस्तों यूज़ होगी हमारी 12 mm की बार यूज़ होगी, और कितनी, 6 बार, ठीक है। फिर जो रिंग होती है जिससे कि कॉलम को बांधते हैं हम, ठीक है ना, ये रिंग्स नज़र आ रही है हमको इसमें, वो यूज़ होगी हमारी 8 mm सरिया की रिंग बनेगी, और जो रिंग से रिंग के बीच की जो दूरी रहेगी वो रहेगी हमारी 6 inch सेंटर टू सेंटर। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट हमारा प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम कौन सा हो जाता है, जो हम ग्राउंड पे डालते हैं या प्लिंथ लेवल पे डालते हैं। इसका भी साइज़ दोस्तों हमारा 9x12 का मिनिमम साइज़ रखना होगा। ये प्लिंथ बीम है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये जो नीचे बीम डले हुए हैं ये प्लिंथ बीम है। तो 9x12 का साइज़ आपको कम से कम रखना है इसका। अगर बात करें सरिये की रिइंफोर्समेंट की, तो देखिए जो मेन बार रहेगी वो तो 4 नंबर डलेंगे 12 mm के, और इसमें क्या होता है दोस्तों एक्स्ट्रा भी डलेगा स्पान पे और सपोर्ट पे, जो कि एक बार रहेगी 12 mm की। अभी कैसे रहता है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा बीम है, ठीक है, तो इसमें 4 सरिये तो हो गए 12 mm के हमारे, यानी कि एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, ये 4 हो गए, ये तो हो गए हमारे मेन बार, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कैसे डलेगा, तो देखिए मान लीजिए ये हमारा कोई बीम है ना, और यहाँ पे कॉलम है, ये कॉलम से सपोर्ट पे है बीम हमारा, तो एक्स्ट्रा कैसे डलेगा, जो ऊपर डलेगा वो तो इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, और जो नीचे डलेगा वो इतने पे ही बस, L/3 पे डलते हैं ये, यानी कि जो टोटल लेंथ जो होगी बीम की उसके L/3, यानी कि 1/3 पार्ट पे ये डलेगा, 1/3 पार्ट पे ये डलेगा, और बचे हुए 1/3 पार्ट पे बीच में ये डल जाएगा। तो ये इस तरह से डलता है हमारा एक्स्ट्रा बार। अब बात करें दोस्तों रिंग की, तो सेम 8 mm की रिंग डलेगी इसमें भी, जिसकी स्पेसिंग रहेगी 6 inch सेंटर टू सेंटर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं किस चीज़ के बारे में बात करना है हमको। तो देखिए नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोर बीम। तो फ्लोर बीम भी दोस्तों 9x12 का फ्लोर बीम मिनिमम हमको रखना है, जिसमें 12 mm के 6 बार डलेंगे, ठीक है, 12 mm के 6 बार। कैसे हो जाएंगे 6 बार, मान लीजिए कोई हमारा बीम है तो एक यहाँ हो जाएगा, एक मिनट कलर बदल लेते हैं इसका, एक यहाँ हो जाएगा, दूसरा यहाँ हो जाएगा, तीसरा यहाँ हो जाएगा, चौथा यहाँ हो जाएगा, और पांचवा और छठा बीच में हो जाएंगे। इस तरह से 6 बार डलेंगे हमारे। अब फ्लोर बीम होता क्या है ये भी दिखा दूँ, ये जो छत के साथ में जो बीम डले हुए हमारे, ठीक है ना,
ये होते हैं हमारे फ्लोर बीम। तो 6 बार डलेगी 12 mm की। अगर रिंग की बात करें तो दोस्तों 8 mm की रिंग डलेगी, जिसकी स्पेसिंग रहेगी हमारी 6 इंच सेंटर टू सेंटर। ये बात हुई हमारे फ्लोर बीम की। फिर इसके बाद में बारी आती है दोस्तों स्लैब की, यानी कि छत की। अब ये वाला जो सरिया, छत का जो सरिया बिछा हुआ है लंबा लंबा, एक मिनट, ये वाला जो हमारा सरिया बिछा हुआ छत के लिए, इसकी बात हो रही है अब। तो देखिए, सबसे पहले तो मिनिमम 5 इंच थिकनेस रखना है आपको स्लैब की। बात करें सरिये की, तो देखिए जो मेन बार रहेगी छत में वो रहेगी 10 mm की, 6 इंच सेंटर टू सेंटर। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो आप 8 mm की रख सकते हैं, लेकिन उसकी भी स्पेसिंग रहेगी हमारी 6 इंच सेंटर टू सेंटर। ठीक है, स्टायरप्स, ये बाय मिस्टेक टाइप हुआ, स्टायरप्स का कोई काम नहीं छत में। अब मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होती है, तो देखिए वैसे तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन अभी मैं आपको इतने तक समझा देता हूँ कि जैसे आपका एक लंबाई ये आएगी, एक लंबाई ये आएगी छत में, किसी बीम से बीम के बीच में अगर हम देखें तो जो छोटी वाली लंबाई रहेगी वो होगी आपकी मेन बार, चाहे इन इसमें से और इसमें से जो भी छोटा रहेगा वो रहेगा आपका मेन बार, और जो लंबा रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन बार। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, बाकी अगर आप चाहते हैं कि मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है पूरी स्लैब की रिइंफोर्समेंट में, तो मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो। तो अभी के लिए हमें याद रखना है कि मेन बार रहेगा हमारा 10 mm का और डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा 8 mm का। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि एक G+1 यानी कि डबल स्टोरी बिल्डिंग के लिए कौन से कंपोनेंट में कौन सा सरिया यूज़ करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और ज़रूरत लगी तो मैं उस पर अलग से भी वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इसी तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई ऐसा वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।